इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 29 इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 29 हिजकिय्याह के सुधार के काम। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम अबियाह था जो जकरियाह की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में मैल निकाल दो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया और पवित्र स्थान में इसराइल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाया और न होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई है। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधू, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटो, ढिलाई न करो। देखो, यहोवा ने अपने सन्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप चलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। तब लेवीय उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से अमासै का पुत्र महत और अजरियाह का पुत्र योएल और मरारियों में से अब्दी का पुत्र कीश और यहल्लेलेल का पुत्र अजरियाह और गेर्शुनियों में से जिम्मा का पुत्र योआह और योआह का पुत्र एबेन और एलिसापान की संतान में से शिमरी और युएल और आसाप की संतान में से जकरियाह और मतत्न्याह और हेमान की संतान में से यहुएल और शिमी और युदुतुन की संतान में से शमायाह और उज्जियेल। इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा के वचन पाकर दी थी, यहोवा के भवन के शुद्ध करने के लिए भीतर आए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सबको निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के आठवें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को आठ दिन में पवित्र किया और पहले महीने के सोलहवें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होमबलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके और जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया है और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त सात बछड़े, सात मेंढे, सात भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए सात बकरे ले आए और
उसने हारून की संतान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सबको यहोवा की वेदी पर चढ़ाए। तब उन्होंने बछड़े बलि किए और याजकों ने उनका लोहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेंढे बलि किए और उनका लोहू भी वेदी पर छिड़क दिया और भेड़ के बच्चे बलि किए और उनका भी लोहू वेदी पर छिड़क दिया। तब वे पाप बलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लोहू वेदी पर छिड़क कर पाप बलि किया, जिससे सारे इसराइल के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि राजा ने सारे इसराइल के लिए होम बलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार, जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, झांझ, सारंगिया और विनाय लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। तब लेविय दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए, याजक तुरैया लिए हुए खड़े हुए। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होमबलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होमबलि चढ़ने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ और तुरैया और इसराइल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुरही फूकने वाले फूंकते रहे। यह सब तब तक होता रहा जब तक होमबलि चढ़ न चुकी, और जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहां थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया, और राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाप दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें, और उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर नवाकर दंडवत किया। तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेलबलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेलबलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिया, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होमबलि पहुंचाए। जो होमबलि पशु मंडली के लोग ले आए उनकी गिनती यह थी, 70 बैल, 100 मेंढे और 200 भेड़ के बच्चे। ये सब यहोवा के निमित्त होमबलि के काम में आए, और पवित्र किए हुए पशु 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां थी। परंतु याजक ऐसे थोड़े थे कि वे सब होमबलि पशुओं की खाले न उतार सके। तब उनके भाई लेविय उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वह काम निपट न गया, और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, क्योंकि लेविय अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। और फिर होमबलि पशु बहुत थे और मेलबलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक होमबलि के साथ अर्घ भी देना पड़ा, यो यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था।